बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कहते हैं आप लोग ठीक ठाक फिट पर? हम लोग भी ठीक ठाक है। और आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊंगी मैं, जो 2-in-1 है, जो कि सूप की सूप भी रहेगी और छोले के छोले भी, और बहुत ज़बरदस्त और सर्दियों में खाने की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। चले स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं चने मैंने बॉयल कर लिए हैं, जो कि रात भर मैंने भिगो के रखे थे सही है सोडे के साथ, और उनको धो धा के फिर दोबारा को बॉयल कर लिया। इसमें पानी और शामिल करूँगी, सिर्फ पानी शामिल करने पहले मसाले शामिल कर दूँगी। काली मिर्च पाउडर, ये घर की कुटी हुई डालें, ज़्यादा बेहतर रहेगी, पिसी हुई मत डालिएगा, इससे जायका अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मैं सूप का जायका भी लाना है और चने का चने भी रहेगा। काला नमक, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कैनोर क्यूब हाफ ले लिया है सही है, कैनोर क्यूब से बहुत अच्छा जायका आएगा। और यह है चाइनीज़ सॉल्ट, जो कि आपको चाइनीज़ सूप का जायका देगा, कॉर्न सूप जो बनाते हैं उसका जायका देगा, बिल्कुल ज़बरदस्त बनती है रेसिपी। 1 टेबल स्पून भर के जो है हम सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून भर के सिरका, इमली का पल्प आप अपने हद पे जायका शामिल कर सकते हैं सही है। ये आलू हैं हमने गला लिए थे, चने भी हमने गला लिए हैं, आलू भी गला लिए थे, अभी भी शामिल कर देंगे। आलू भी शामिल कर दिए हैं इसके अंदर हमने, कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी आपको रेसिपी। हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, 3 गिलास भर के मैंने पानी ले लिया था, क्योंकि हमें सूप भी रहेगा, ये सूप वाला जायका भी देगा, चाइनीज सूप टाइप का। सर्दियों में आप इस तरह की रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, डबल 2-in-1 रेसिपी हो जाएगी। ये देखिए बॉयल आने लग गया है इसमें, इस पॉइंट पे हम जो है अपना घोला हुआ पानी में घोल लिया था, ठंडे पानी में घोल लिया, ये कॉर्न फ्लोर ये शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। जितनी आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो, जितना गाढ़ापन पसंद हो, उसी लिहाज से आप डाल सकते हैं सही है। मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि इसमें मैंने बॉयल करते हुए नमक डाल दिया था, आलूओं में, चने में भी, और फिर कॉर्नफ्लोर उसमें भी होता है, कैन और क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए नहीं डाला मैंने, और फिर काला नमक डाल दिया था, तो नमक बिल्कुल सही है। और इसी पॉइंट पे हम होममेड मसाला, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा साबित लाल मिर्च जो बनाई थी पेड़ उसका पाउडर वो डाल दिया है, बहुत ज़बरदस्त जायका हो जाता है इससे, 4 चांद लग जाएंगे जायके में आपके। 15 से 20 मिनट पकाएंगे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सही है, फिर इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी जो है हमारी इतनी ही हमें चाहिए थी, ये रेडी हो गई है देखें, ये देखें व्यूअर्स काठे वाले बनके छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी में हम जो है थोड़ी सी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें,
होममेड पापड़ी जो मैंने आपको बताई थी घर में बनाना बहुत इजीली बन जाती है। तो ये पापड़ी देखें इसकी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, देखें कितने खस्ता खस्ता से बने हैं ये पापड़ी। तो ये देखिए व्यूअर ज़बरदस्त चीज़ हमारे घर में बनाने जाने बनाए जा सूप का सूप हो गया और चने का चने है बहुत ज़बरदस्त। सूप के जितने इंग्रीडियंट होते हैं सारे इंग्रीडियंट इसमें डाल चुकी हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त सूप वाला जायका भी आ रहा है और काठी वाली छोला का भी आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त ही तैयार होते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हर उस जगह से आपको रिस्क खुशियाँ नहीं बताया करें जहाँ से आपको गुमान भी ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।